अरे दादा भाई यार बताओ ग्राफिक्स कैसी है इस गेम की, और आप बताओ कि और आपको इस गेम की तलाश थी कि नहीं। और हाँ मेरे को तो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से मैं खेलना चाहता हूँ इस गेम को। यार चलो मैं शुरुआत से लेकर एंड तक सारी ही चीजें आपको बताता हूँ। सो हे वेलकम बैक आप साथ एक और न्यू बटन का। यार देखो आज हाँ बिल्कुल यार आज ही तो आज मैं आपको एक ऐसा गेम दूंगा जिसकी ग्राफिक्स ना रियल एनिमे से भी ज्यादा तगड़ा है। एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मैं आज गेम की पूरी ही ज्यादा रिव्यू करने वाला हूँ, मैं प्ले करके दिखाऊंगा और साथ ही सारी चीजें, ठीक है। एंड पहले मैं तुम्हें बता दूँ और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड भी बहुत सारी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा, तो बस वीडियो को एंड तक देखना। एंड मैं पहले बता दूं यार स्किप करके बिल्कुल एंड में मत चला जाओ, बढ़िया। एंड पूरी बात सुनो, इसमें तो आपको एक्सट्रेट भी करनी पड़ेगी फाइल को, बहुत सारी झमेले है। एंड मतलब जाता नहीं है बट मैं हमेशा बहुत ज्यादा सिंपल तरीके लाता हूँ आपके लिए, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा स्वाद आएगा वीडियो देखने में। एंड ऑल्सो देखो यार मैं एक चीज कहना भूल गया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर लो, बिकॉज यार हमारे जो सब्सक्राइब रेट बहुत ज्यादा लो हो जा रहे हैं। एंड मुझे नहीं पता आपको बस करना पड़ेगा यार। एंड वो जो रेड कलर का बटन है ना, हाँ उसी को कहते हैं सब्सक्राइब। तो अब चाहे आप उस पर पोकेबॉल फेंक कर उसे कैच करो या फिर तुम कुछ भी कर सकते हो यार, उसे तमाचा मारो दो दिन वो अपने आप ग्रे हो जाएगा। तो बाकी आप खुद देख लेना कि आपको क्या करना है नहीं करना, बट यार आपको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, पहले बता दो मुझे कि आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो। हाँ यार अभी तक बिल्कुल एक मिनट भी देख रहे हो वीडियो को, हाँ तो देख रहे होंगे यार ऑब्वियसली, है ना। तो अब सुनो मेन बात है कि वीडियो को वीडियो नहीं ये गेम किस डिवाइस में चलेगा, है ना। डिवाइस आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 3GB रैम एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। एंड गेम की बात करें तो 500 MB में इतना ज्यादा कमाल का एक गेम देखने को मिलता है। एंड साथ ही अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें ना, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने अभी तक भी इंस्टाग्राम पर नहीं आए हो, हमें फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो ना रील्स देखते हो तो फटाक से आज तुम्हारे भाई को फॉलो करो। एंड और क्या बोले, कुछ ज्यादा आ नहीं रहा दिमाग में। वेल सुनो यार देखो, गेम बहुत ज्यादा कमाल का, जब आप इसे खेलोगे तो आपको ये रियलाइज नहीं होने देगा कि हाँ इसमें फेक मॉन्स भी है। हाँ डेफिनेटली यार इसमें फेक मॉन्स है, बिकॉज यार कुछ आपको पता है कॉपीराइट क्लेमर वगैरह की प्रॉब्लम आती है, बट इसमें नहीं आएगी बिकॉज यार देखो आपको पता है इसमें फेक मॉन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सुनो एकदम सिमिलर फेक मॉन्स बिल्कुल। देखो जैसा कि आपको मैंने एक गेम का नाम बताया था रोको किंगडम, सेम यार सेम एकदम, लेकिन बस इसमें आपको 3D ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, कुछ स्पेशल एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं और कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी, जो कि लिटरली गेम को इतना ज्यादा कमाल का बना देती है। एंड देखो ज्यादा फालतू तो नहीं बोलनी अपने को, बिकॉज आप मुझे पता है सब्सक्राइब कर लिए होंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड एक और मेन चीज देखो, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कियो, हाँ तो लिंक कहाँ मिलेगी मैं सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो देखो इस वीडियो में कमेंट में जाना है, कमेंट में जाने के बाद पिन एंड रिप्लाई सेक्शन, समझ में आ रही है, इस कमेंट का पिन एंड रिप्लाई सेक्शन। एंड जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर एपीके प्योर का ऑप्शन आ जाएगा। वेल सुनो यार सुनो सुना, अभी मतलब बैक नहीं करना और ना ही उछलना, ये है XAPK। एंड आप ग्राफिक्स तो देख ही पा रहे हो, यही नहीं अभी मैं आपको जब गेम प्ले दिखाऊंगा ना तो बोलोगे कि भाई साहब ये गेम है तो फिर अपने को तो जरूर से डाउनलोड करना ही है एंड प्ले भी करना एंड इंस्टॉल करके सारी ही चीजें करनी है जो भी होता है। हाँ तो बस आप खेलने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है ना, ये बिल्कुल हाँ यही वाला, इस पर टैप करना है। एंड जैसे आप इस पर टैप करते हो, अगर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं होता तो ये जो ब्लू कलर का क्लिक हेयर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर टैप करना, ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा एंड देन इंस्टॉल भी कर लोगे, बहुत ज्यादा ईजी तरीका यार। एंड देख लो अभी मैं आपको गेम प्ले दिखा, तो जैसे स्टार्ट करो एक बार ध्यान से देख लो, AR003 है तो यहाँ पर आप चेंज का ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो, समझ में आ गई ना बात, कि जहाँ पर अगर आपको सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो, वरना तो नहीं देखने को मिलेगी। एंड अगर आपको देखने को मिलती है तो कर सकते हो, एंड वैसे मुझे पता है कि नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन मतलब लोडिंग है, तो ये भी हो गया। एंड ये कुछ लॉन्डे है जो कि आपको कुछ इन्फो देगी यार, इन्फॉर्मेशन। एंड ये तुम्हारी मॉम है जो कि तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी सिस्टर है वो यहाँ पर है, एंड जो तुम्हारे फ्रेंड्स है वो भी यहाँ पर गए हुए हैं, तो जाओ तुम वहाँ पर एंड ऐसा वैसा करो। एंड इसके बाद क्या होता है कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं तुम्हारे अपनी मम्मी की डांटे वांटे सुनने में, एंड ऐसी कुछ सिस्टम है इसमें। गेम की बात करें तो गेम में क्या है कि ये कुछ दो है अपना फ्रेंड्स, एंड ये है रेड एंड येलो, एंड अपन तो ब्लू है, तुम्हें पता है ब्लू काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये आप देख पा रहे हो। अभी आएगा एक लेजेंडरी पोकेमॉन, हाँ
बिल्कुल एक लेजेंडरी पोकेमोन आएगा एंड वो अपने को बचाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो एक पहले तो डार्क रहा आएगा साथ से, एंड हाँ ये तो डार्क रहा ही है तुम्हें पता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है बिकॉज तुम्हें पता है यार ये क्या है, फेक मोन। हाँ इस गेम में आपको फेक मोन देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपको ये लगा? हाँ लगा। नहीं मतलब क्या आपको ये लगा कि ये फेक मोन था एंड ये डार्क रहा नहीं था? एंड ये जो ऑसोबॉट है ना ये आपको चाहिए, तो फिर आपको चाहिए मतलब ये ग्रास टाइप है, मतलब सेम मतलब काफी ज्यादा सिमिलर है यार पोकेमोन से एंड इंस्पायर भी है ये देखो सुइकून का विकसित रूप, मतलब सुइकून का इवॉल्व होगा, मतलब जब ये इवॉल्व होगा ना ये तो बनेगा सुइकून एंड वो अर्सरिंग जैसा लग रहा था। बट देखो काफी ज्यादा कमाल का गेम तो है ही, लेकिन वीडियो को अगर अभी तक देख तो लाइक कर दो है ना। एंड बैटल स्टाइल तुम देख पा रहे हो किस प्रकार का, यानी कि पोकेबॉल ही नहीं है यार, एंड बस ऐसी नॉर्मल एक बॉल फेंकते हैं या फिर कोई मतलब एक ईट वीट फेंकते है ना, तो वो टुकड़े टुकड़े होकर वो पोकेमोन्स बन जाते हैं। अगेन हम उस पर पोकेबॉल फेंकते हैं तो फिर वो हमसे कैच भी हो जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं अरे यार बेइज्जती मत करो, इतना मैंने समझाया समझ तो गए होंगे। वेल सुनो अभी यहाँ तक काम क्लियर है यार, एंड अब सुनो मैं तुम्हें एक पोकेमोन को कैच करके दिखाता हूँ तो सच से समझ आए। नहीं ये सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स ही मिलेंगे आपको, हमेशा डेली लॉगिन का भी कुछ रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन होता है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड मेन बात अब आती है, अभी देखो ये जो भाई मतलब सारी गेम प्ले मैंने आपको दिखा देना, और अब मेन बात आती है कि जब आप इसे कैच करोगे ना पोकेमोन को, तो यार पोकेमोन कैच भी होता है इसमें एंड इवॉल्व होता है एंड बहुत सारे लेजेंडरीज पोकेमोन है। एंड मेन बात पता है क्या, इसमें आपको 500 से भी ज्यादा पोकेमोन देखने को मिल जाते हैं, जो कि लिटरली एक गेम को काफी ज्यादा बड़ा बना देता है। इसमें आपको शुरुआती में मैप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और उसमें आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। गेम पूरी तरीके से ओपन वर्ल्ड तो नहीं है, बड़ा जैसे आपने देखा था एक है पोकेमोन का गेम ही है, एंड अगर आपने खेला है ठीक है पोकेमोन पेंडेंट करके है गेम ठीक है, जिसका अब नया सा नाम आ गया है, लेकिन अभी हमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला ना, तो आप सेम अपना मतलब कॉन्सेप्ट सेम मान सकते हो एंड बहुत ज्यादा सिमिलर गेम है, तो काफी ज्यादा कमाल का था, ग्राफिक्स भी बहुत ज्यादा कमाल किया जब आप इसे खेलोगे है ना। अब हम बात करते हैं कि आपको क्यों नहीं खेलना चाहिए, तो यार देखो बहुत सारे डिवाइस में वर्क नहीं करता है। हाँ मैं पहले बता दूं कि ये फैन मेड गेम्स जो होते हैं ना, पहली बात तो आईफोन में है ना वर्क ही नहीं करेगा, एंड जो सेकंड बात है आपको मतलब खेलना इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा नेट है तो फिर खेलो, अगर 500 MB तक आप ला सकते हो तो खेलो ठीक है। एंड वैसे तो नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यार मुझे पता है बहुत सारे डिवाइस में वर्क नहीं करता, एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे पास अगर डाटा ज्यादा होगा तो फिर आप खेल सकते हो ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर प्रॉब्लम के बारे में मैंने बता दिया, एंड भी बहुत सारी चीजें जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी मैं बता देना। एंड अगर आप भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आओ इंस्टाग्राम पर एंड कमेंट कर दे प्यारा सा, अगर तुम्हें कोई सा भी प्रॉब्लम आ रही है तो, एंड वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो, एंड मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक कर ले बाय बाय। एंड यार एक बात है, अब थोड़ी बहुत पर्सनल बात कर लेते ना, तो मेन बात यही है कि यार देखो तुम वीडियो को लाइक कर रहे हो तो कर दो। हाँ बिल्कुल यार कर दो ठीक है। सुनो अब इतने मिनट का वीडियो बना देते हो, कुछ मिनट और ऐड कर देते ताकि एड्स ज्यादा चले। सो मैं तो आपको वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।